नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी शासन, सुशासन और राशन का परचम फहराकर चुनाव जीत गई। लेकिन अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां राशन के नाम पर सिर्फ सांत्वना मिल रही है और इन ग्रामीणों का निवाला कोई और निकल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भुसवा गांव में कोटेदार इंदु यादव के द्वारा अप्रैल से जून माह तक सभी ग्राम वासियों के अंगूठा लगवाकर राशन नहीं वितरित किया गया। वही राशन को कोटेदार द्वारा बेच दिया गया, जिसकी शिकायत को लेकर लगभग 3 दर्जनों की संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीणों ने तहसील में धरना दिया और बाद में कोटेदार विरुद्ध अनियमितता का आरोप लगाते हुए कोटा निरस्त करने तथा नियम से राशन वितरण करने के लिए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि सप्लाई विभाग के किसी उच्च अधिकारी को लगाकर ग्राम सभा में राशन वितरण कराया जाए तथा कोटेदार की जाँच कराई जाए। राशन का समस्या है सर जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमलता चौहान सर। अच्छा, राशन की क्या समस्या है सर? 4 महीने से हम लोग परेशान है, अप्रैल महीने से सर। कोटेदार इंदु देवी है सर यादव, अंगूठा लगाते हैं लोग। हाँ। राशन कहते हैं कि दूसरा आना ना, तुम्हारा पूरा राशन दे देंगे, लेकिन जान राशन 4 महीने से हम लोग को नहीं मिला है सर। 4 महीने 2 महीने से दौड़ रहे हैं तहसील पे सर। आनंद यादव इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि चल राशन खुद बटवाएंगे। मंगलवार को गए थे सर जी, लेकिन गए कम से कम 20 लोग को राशन मिला सर, लेकिन 200 लोग को राशन अभी नहीं मिला है सर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 270 लोग या तो राशन दिलवाएं, या तो राशन दिलवाएं, या तो इंदु यादव पे मुकदमा दर्ज करें सर। हम लोग को मांग है या तो हम लोग को राशन दिलवा दे या अंगूठा लगवा के राशन हम लोग का नहीं देते। 3 महीने का पूरा राशन नहीं दिए। अच्छा, राशन मिलना चाहिए। ये कोटेदार कौन है? इंदु यादव पहले थे, अब बोल रहे हैं लोग पिपरिया गया है, पिपरिया कब तक मिलेगा, कब तक नहीं है नहीं मालूम। वही सप्लाई इंस्पेक्टर आनंद कुमार यादव ने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि ऑनलाइन 90-95% राशन वितरण कर दिया गया है तथा ग्रामीणों के बयान के आधार पर पता चला कि अंगूठा लगाकर राशन वितरण नहीं किया गया, जिसकी जांच के दौरान कोटेदार इंदु यादव को कोटा निरस्त कर उसे दूसरे कोटे से अटैचमेंट कर दिया गया। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रामीणों को राशन वितरण किया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर आनंद कुमार यादव, आप भी देखिए। प्रकरण है भुसवा, कुछ महिलाएं शिकायत की थी कि हमको खाद्यान्न नहीं मिला है, तो शिकायत पत्र क्रम में मेरे द्वारा जांच की गई थी। जांच में अनियमितता पाई गई, जिसके कारण दुकान जो है जिला पूर्व अधिकारी द्वारा निलंबित कर दी गई है, निलंबित करके अटैच कर दी गई। अब खाद्यान्न जो है कि संबद्ध दुकानदार से विक्रेता से वितरण कराया जाएगा। सर, ये राशन कब तक कराया? अभी डेट नहीं आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न का संभवतः आज डेट आ जाएगी। तो ग्रामीणों का आरोप है कि सर में 2 महीने से राशन अंगूठा लगा के नहीं दिया जा रहा है, क्या सर विगत पिछले महीने का भी मिलेगा या सिर्फ हाल ही में? नहीं, राशन तो जहां अटैचमेंट है, चूँकि जिस विक्रेता की जांच हुई है 95-96% खाद्यान्न ई पास मशीन से वितरण किया गया है। अब 15-20 महिलाएं ऐसी है जो कह रही हैं कि हमको खाद्यान्न नहीं मिला है, उनके बयान के आधार पर दुकान निलंबित की गई है। जबकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑनलाइन दिखा रहा है कि उन लोगों को वितरण किया गया है। अब आगे जांच की प्रक्रिया है, निलंबित हो गई है, बहरहाल अटैच कर दी गई है, दूसरे जगह से इन लोगों को खाद्यान्न दिलवाया जाएगा। अब आगे जांच होगी, जांच में जो पाया जाएगा उससे आपसे जो है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।